दोस्तों आज की वीडियो में हम चार्जिंग टेस्ट करने वाले हैं Asus ZenFone Max Pro का। इस टेस्ट में क्या होगा कि हम इस डिवाइस को नॉर्मल चार्जर जो बॉक्स में आया है और ये फास्ट चार्जर, इन दोनों को यूज करके हम इस डिवाइस को 1% से 100% तक चार्ज करेंगे और साथ में हम साइड बाय साइड कंपैरिजन भी करेंगे कि किस चार्जर ने कितनी देर में कितने परसेंट चार्जिंग कंप्लीट की। फास्ट चार्जर यूज करके आपको कोई बेनिफिट होगा या नहीं सब क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी बैटरी है 1%। लेफ्ट साइड पे मैंने यूज़ किया है Asus का चार्जर जो कि बॉक्स में आया है, इसकी रेटिंग है 5V 2A और राइट साइड में है ये फास्ट चार्जर क्वालकॉम क्विक चार्ज 3.0। इस चार्जर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसकी पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। चलो अब हम चार्जिंग स्टार्ट करते हैं। एक बार हम 5 मिनट बाद चेक करेंगे कि कितनी चार्जिंग हुई है। दोस्तों 5 मिनट में फास्ट चार्जर से 10% और नॉर्मल चार्जर से 7% की चार्जिंग कंप्लीट हुई है। अब हम 15 मिनट कंप्लीट होने के बाद चेक करेंगे। यह आप देख सकते हो 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। बैटरी परसेंटेज आप देखो तो इन दोनों में ही ज्यादा फर्क नहीं है, फास्ट चार्जर 21% और नॉर्मल चार्जर 19%। यहां तक कि दोस्तों जब मैंने 1 आवर के बाद भी चेक किया तो भी दोनों की परसेंटेज में ज्यादा फर्क नहीं था, फास्ट चार्जर से 64% और नॉर्मल चार्जर से 62%। बाकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि इस मोबाइल की चार्जिंग स्पीड काफी अच्छी है। अगर आप 5000 बैटरी के हिसाब से देखो तो 1 आवर में 62% बहुत सही है। अब 2 आवर 10 मिनट की चार्जिंग के बाद ऐसे रिजल्ट्स थे जिनकी उम्मीद नहीं थी। ये देखो नॉर्मल चार्जर से 95% चार्जिंग कंप्लीट हो चुकी है और फास्ट चार्जर अभी तक कर पाया है 91%। अब दोस्तों एंड में आकर जो चार्जिंग स्पीड है वो स्लो हो चुकी है। नॉर्मल चार्जर से 2 आवर 30 मिनट में 98% मोबाइल चार्ज हो चुका है। 95 से 98 तक आने में 20 मिनट का टाइम लग गया और वहीं फास्ट चार्जर इससे 1% पीछे है। टू आर 35 मिनट में लेफ्ट साइड आप देख सकते हो 99% हो चुका है, वही राइट साइड है 98%। 99 से 100 तक आने में 5 मिनट का और टाइम लगा नॉर्मल चार्जर को, मतलब लेफ्ट साइड वाला मोबाइल आप देखो तो फुल चार्ज हो चुका है 2 आर 40 मिनट में। तो यहाँ नॉर्मल चार्जर विनर है, फास्ट चार्जर अभी तक है 98% पे। देखते हैं इसको कितना टाइम लगता है 98 से 100 तक आने में। तो फास्ट चार्जर को लगे हैं 2 आर 48 मिनट 1% से 100% तक आने में। ये लाइट आप देखो तो ऑरेंज से ग्रीन हो चुकी है। आपको Asus ZenFone Max Pro के लिए फास्ट चार्जर लेने की जरूरत नहीं है, अभी इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता। इन फ्यूचर अगर OTA अपडेट से फास्ट चार्जिंग एक्टिवेट की जाएगी तो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। मैंने आपको Asus ZenFone Max Pro की अनबॉक्सिंग वाली वीडियो में बोला था कि इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, तो मुझसे वहाँ ये गलती हुई थी, सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। इसमें आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।